हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि एक सिविल ड्रेस में एक कांस्टेबल कैसे वसूली कर रहा है। ये जो ट्रेन है आनंद विहार से होकर मुजफ्फरनगर जाने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस में वसूली चल रही है। आप कभी भी सप्त क्रांति, जो बिहार सप्त क्रांति है, जो आनंद विहार से होकर जाती है सप्त क्रांति एक्सप्रेस, उसमें अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं तो पहले अगर जनरल डिब्बे में ट्रैवल करते हैं तो ये आगे की आधे जनरल डिब्बे की एक कांस्टेबल घुस के सिविल ड्रेस में वसूली करता है। या हो सकता है ये कांस्टेबल भी ना हो, लेकिन वहाँ पे एक कांस्टेबल जो घूमते हुए, उनसे शिकायत की थी कि सर यहाँ ट्रेन में जो है वसूली चल रही है, 100-100 रुपये सीट भेजी जा रही, आप लोग सीट मत खरीदी। मैंने सीट नहीं खरीदी थी, मैं इससे लड़कर मैं वहीं पर बैठा था, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मगर उसे देख नहीं पाया मैंने, क्योंकि इस ऐसे एंगल से सेट करके रिकॉर्डिंग कर रहा था कि वो देख नहीं पाया। तो आप सबसे पहले अगर कभी ट्रैवल करते हैं, ऐसे सीट बेचने का मामला आता है, तो सबसे पहले उस आदमी की फ़ोटो खींच लें, उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, फिर जाके GRP में इसके खिलाफ़ FIR कर सकते हैं। और सीट के लिए जो है कभी आप लोग पैसा मत दिया करिए। इस वीडियो को दोस्तों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि वहाँ पे जो अवैध वसूली चल रही है उसे रोका जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में जो भी ट्रैवल करते हैं बिहार संक्रांति, UP की लोग भी जो है ऐसी वसूली नॉर्मली होती रहती है, ट्रेन के अंदर चढ़ के डंडे ले ये पब्लिक को डरा बहका कर पैसे वसूलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि ये पकड़ा जा सके। नहीं भैया,